नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और स्वागत है आपका देवदीति वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में। इतना लंबा गैप हो चुका है, मैं ही अचकचा रहे हैं। तो वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, एंड अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ पिक्टोरियल स्टोरीज। बिफोर दैट वी डू मंत्रस, और मंत्र चैंटिंग आज की मेरे साथ ध्रुव करेगा, और ध्रुव को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। तो ध्रुव स्पॉटलाइट हो गया है और मैं ध्रुव के साथ ऐड हो जाती हूँ। ओके, तो ध्रुव मेरे साथ मंत्र करेगा, तो और मैं स्क्रीन शेयर भी तो करनी पड़ेगी। गिव मी अ सेकेंड बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन। ओके, हियर आई एम वाल्मीकि रामायण, एंड कैन यू ऑल सी? यस मैम। फाइन, सो लेट मी जस्ट ओके, इज इट ऑन फुल स्क्रीन नाउ? इट इज लोडिंग, है ना? फुल स्क्रीन। ओके, सो ओ सहना वस्तु आई रिक्वेस्ट कि ध्रुव के अलावा सब लोग म्यूट कर ले। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु तमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। एक मिनट सपना मैम, ध्रुव बेटा आप अपने मुंह पे से हाथ हटाओगे तो ज्यादा क्लियर आएगी आवाज। हाँ, आपको हाथ जोड़ने, हाँ चेस्ट की तरफ, हाँ वेरी गुड। और वैसे भी हाथ पता है कहाँ जोड़ते हैं? अपने हार्ट चक्रा पे, जहां जहां पे हमारा हार्ट होता है ना, ध्रुव परी ऑल द चिल्ड्रन, जहां पे हम हाथ कहाँ नीचे जोड़ते करो हैं? हाथ, अपने हार्ट के ऊपर, जहां हमारा हार्ट होता है, नीचे ऐसे, है ना? ऐसे, डोंट टच योर चिन, चिन से भी नीचे रखो हाथ अपना। वेरी गुड, थैंक यू वंदना मैम फॉर पॉइंटिंग आउट। तो ये नेक्स्ट मंत्र हम जब भी कोई भी दीप जलाते हैं ना, तब हमें बोलना चाहिए दीप ज्योतिक परम ब्रह्म, दीप ज्योतित परम ब्रह्मा, दीप दीप ज्योतिर जनार्दन। ज्योतित जनार्दन, दीपम हरतु पापम, दीप में हरतु पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योतित नमोस्तु दे। तो हम दीप ज्योति जो है उसे मांगते हैं, बोलते हैं आप ही परम ब्रह्म हो, और जैसे डार्कनेस में लाइट जलाते हैं वैसे ही हर जगह रोशनी होए और हर जगह अच्छा हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः। गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वेरी गुड। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु, और अपने मम्मी पापा दादी दादू नानी नानू सारे बड़े हमारे लिए पूजनीय होते हैं। ये मंत्र है विष्णु भगवान के लिए, शुक्लाम वरधरम विष्णु। शुक्लाम वरंधरम विष्णु, शशिवर्णम चतुर्भुजम, श्रीवर्धम चतुर्भुजम, प्रसन्न वदनम ध्यायेत,
प्रसन्नम वदध्यन्दाहे सर्व विघ्नो पशांतये सर्व विघ्नो पशांतये। इस मंत्र से हम कह रहे हैं विष्णु भगवान आप हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर दो। तो विष्णु भगवान क्या बोलते हैं कि उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद ये पृथ्वी माता के लिए, पृथ्वी माता जिस पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, स्कूल है, अगर अर्थ नहीं होती हम कहाँ रहते, है ना। हम रोज अर्थ को पूछते हैं, अर्थ से ही स्पेस में रहते, लटकते रहते। फूड कहाँ से आता, हम फ्लोट कर रहे होते स्पेस में, यहाँ से वहां यहाँ से वहां। कोई हाउस नहीं होता, कोई हमारा वो नहीं होती, स्कूल नहीं होता, कुछ नहीं होता रहा फिर। पृथ्वी त्वया कृता लोकाः, पृथ्वी त्वया कृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुना धृता, देवी त्वं विष्णुधा धृता, त्वं च धारय मां देवी, धारय मा देवी, पवित्रं गुरुचासनम्, पवित्रं गुरुचासनम्। सो नाइस। और नाउ परी'स टर्न। ओके ध्रुव, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। परी, यू रिपीट आफ्टर मी। ओके, ये मंत्र जब भी हम मंदिर में घंटा बजाते हैं या अपने घर के मंदिर में या कभी भी ध्वनि करते हैं, साउंड वाइब्रेशन से ना एटमॉस्फेयर क्लीन होता है और भगवान को हम अपनी बात कहते हैं साउंड के माध्यम से, बोल के मैं आपके साथ बात कर रही हूँ ना। आगमार्थम तु देवानाम। परी, आगमार्थम तु देवानाम, आगमार्थम तु देवानाम, गमनार्थम तु रक्षसाम, परी can you hear me? आपने म्यूट कर लिया क्या अपने आप को? परी? Yes. Repeat after me. You can hear me ना? आगमार्थम तु देवानाम। परी आप अपना वीडियो खोलेंगे बेटा? I think maybe there's a lag. Ayash, do you want to do the mantra after me? ओके, सो आयांश विल डू द मंत्र आफ्टर मी। आगमार्थम तु देवानाम, आगमार्थम तु देवानाम, दमनार्थम तु रक्षसाम, दमनार्थम तु रक्षसाम, कुरुवे घण्टारवं तत्र, कुरुवे घण्टारवं तत्र, देवताभान लाञ्छनम्, देवताता लाञ्छनम्। Very nice. तो ये मंत्र सारे नदियों के लिए है, है ना। गंगे च यमुने चैव, गंगे यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे तेतु संतावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं, सन्निधिं कुरु, गुरु। धीरे धीरे यू विल गेट इट, नॉट टू वरी। ओके, धीरे धीरे आ जाएगा। देहो देवालय प्रोक्त, देवा देवा प्रोक्त, अयांश वेट, देहो देहो देवालय, देवालय प्रोक्त, प्रोक्तः जीवो, जीहो देवसनातनः,
आप बच्चे सिर्फ सुनो, वन डे वी विल डू अ स्पेशल क्लास फॉर श्लोकास. इज दैट गुड? इज दैट गुड? ओके, सो ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ्स, जस्ट हियर मी. ओके, जस्ट हियर मी. देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्. देहो देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत्. ये मंत्र जो अब मैं बोलूंगी वो सरस्वती देवी के लिए है. सरस्वती विद्या की देवी है. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा. कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्. कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम्. समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं शमस्व मे. समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं शमस्व मे. सो नाउ all of you have just heard the mantras. Keep hearing the mantras and then we, jab hum ek special session le lenge mantron ke uchcharan ke liye and with the meanings, and you will all love it once you start knowing the meaning. Okay, okay everyone, so we've had a very long holiday, a long vacation, and we've all come back. Acha mute kar lijiye please. Jab hum wapas aaye hain तो हमें मुझे आवाज डिस्टर्बेंस आ रही. हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे बालकांड में, वाल्मीकि रामायण की बालकांड में. और वहां पे क्या हुआ था? वहां पे ये हुआ था कि श्री राम को और लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि आए और दशरथ के दरबार में से लिए गए. और क्यों ले गए? उन्होंने कहा बहुत सारे राक्षस हैं वन में, उनका वध करने के लिए मुझे आपके श्री राम और लक्ष्मण की जरूरत है. दशरथ ने कहा मैं तो नहीं दूंगा. तो वाल्मीकि जी और विश्वामित्र जी नाराज हो गए. तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि आपको राम और लक्ष्मण को दे देना चाहिए, विश्वामित्र ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, वो आपके बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे बल्कि आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखा देंगे. ऐसा बोल के जब विश्वामित्र ऋषि वहां से जाने लगे तो बीच बीच में कितने सारे राक्षस आए. सुबाहु, मारीच, ताड़का, है ना, बच्चों को याद आ गया? इतने सारे राक्षस आए थे ना. और उन राक्षसों को श्री राम और लक्ष्मण ने मिलके मारा. और जब मारा तो विश्वामित्र ऋषि ने उन्हें बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र दिए, स्पेस मिसाइल्स और रॉकेट लॉन्चर्स और बहुत सारे अस्त्र और शस्त्र, अलग अलग तरह के वेपन्स. और वो वेपन्स ऐसे थे कि वो मंत्रों के माध्यम से एक्टिवेट हो जाते थे, वो साउंड के माध्यम से एक्टिवेट हो जाते थे. और जब एक एक को मारते चले गए तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा अब मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा धनुष है. तो श्री राम ने कहा कहाँ? तो उन्होंने कहा मैं आपको मिथिला लेके जाना चाहता हूँ. तो श्री राम बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि श्री राम को धनुष और बो एंड एरो बहुत ज्यादा प्रिय था, उनका मोस्ट फेवरेट वेपन था. तो शिव जी का धनुष देखने के लिए वो मिथिला में ले गए. और मिथिला में हमने देखा कि राजा जनक ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम करा, है ना, और बहुत अच्छे से वेलकम करा
और उसके बाद अब हम देखते हैं आगे होगा क्या। तो अब मैं खोल रही हूँ अपनी स्क्रीन और अब हम देखते हैं कि आगे होगा क्या। तो हमने क्या देखा था, हमने देखा था ये सारी कहानी। जनक कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि राम और लक्ष्मण यहाँ पे मेरे दरबार में आए हैं। और विश्वामित्र ने कहा, विश्वामित्र जी ये है, उन्होंने कहा जो भगवान शंकर का इतना बड़ा धनुष है ना, वो आप हमें दिखाएं, राम और लक्ष्मण को दिखाएं। तो राजा जनक ने अपने बहुत सारे सैनिकों को बोला, उससे पहले आप ये बताओ कि ये धनुष आपके पास आया कैसे। विश्वामित्र जी ने कहा यह भगवान शिव जी का तो धनुष है, परंतु ये धनुष आया कैसे आपके पास। तो राजा जनक ने हाथ जोड़ के उनसे बोला कि बहुत समय पहले, बहुत बहुत ओल्ड टाइम में एक दक्ष प्रजापति होते थे, और उन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को हर्ट किया, उनका अपमान किया, उनको छोटा फील कराया, उनके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला, अच्छा नहीं करा। तो शंकर भगवान बहुत गुस्सा हो गए थे, जो कि दक्ष प्रजापति ने बहुत गंदी बातें बोली थी, अच्छी नहीं बोली थी। तो शंकर भगवान ने इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने कहा कि मैं तुम सबका नाश कर दूंगा, मैं तुम सबका सबको खत्म कर दूंगा। तो उस यज्ञ वेदी में जो दक्ष प्रजापति कर रहे थे, शंकर भगवान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तब ये ही धनुष, जो इतना बड़ा धनुष है राजा जनक के पास, ये ही धनुष तब शंकर भगवान के हाथ में था, और शंकर भगवान उसको खींच के और एरो से पूरे वर्ल्ड का विनाश करना चाहते थे, पूरे वर्ल्ड को खत्म करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे। तब सारे देवता, सारे जितने भी ऋषि हैं, सारे देवताओं ने कहा आप ऐसा मत करिए। शंकर भगवान ने कहा मैं तुम लोगों से बहुत नाराज हूँ, ये जो दक्ष प्रजापति है इसने यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया, मेरी पत्नी को नहीं बुलाया, और उसकी वजह से मैं यहाँ पे आना चाहता था, परंतु इसने मुझे नहीं बुलाया, और अब मैं तुम सब लोगों को ये बो से, इतने बड़े डिवाइन वेपन से मार डालूंगा सारे देव। और मैं, उन्होंने कहा मैं तुम सबका मस्तक काट दूंगा, सर कलम कर दूंगा, मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा, मैं देखूंगा कि तुम लोग कैसे जीते हो, मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगा। सारे देवता बहुत उदास हो गए, उन्होंने और सारे ऋषियों ने मिलके भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, हैप्पी करने के लिए, खुश करने के लिए उनकी बहुत पूजा करी, उनकी बहुत स्तुति करी। उन्होंने कहा हे भगवान, हम ऐसा नहीं करने चाहते थे, दक्ष प्रजापति से गलती हो गई, पर हम अपनी गलती मानते हैं, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग जानते हो ना कि कभी भी अगर आप लोग कोई गलत काम करते हो और आप अपने पेरेंट्स से, पापा मम्मा से, बड़ों से सॉरी बोल देते हो तो बड़े मान जाते हैं ना। तो अगर हम कोई गलती करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉरी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना अयांश, बोलना चाहिए। हाँ ध्रुव बोलना चाहिए, और विवान शुड बी से सॉरी व्हेन वी डन समथिंग रॉन्ग, है ना। यस, तो जब हम कुछ गलत काम करते हैं, अगर हम सॉरी बोल देते हैं, और कभी अगर हमारा हमसे गलती होगी, हमने पापा मम्मा को कहा मम्मा आई एम वेरी सॉरी, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा, आप इतनी अच्छी मम्मा हो, आप कितना मुझे प्यार करती हो, तो मम्मा मान जाती है ना। जब हम अपने पापा को इतना प्लीज करते, ऐसे ही शंकर भगवान मान गए। जब सारे देवताओं ने उनको बोला आगे से हम कभी नहीं करेंगे, और दक्ष प्रजापति से भी मेक श्योर करवाएंगे कि दक्ष प्रजापति भी कभी ऐसा नहीं करे, अब प्लीज हमें माफ कर दो, तो वो शंकर भगवान मान गए। अब जब शंकर भगवान मान गए, तो इतना बड़ा जो धनुष उनके हाथ में था, उन्होंने कहा मैं ये धनुष लेके तो जाऊंगा नहीं, अब मैं ये धनुष किसके पास रखूं। अब वहां पे एक राजा निमि थे, और उन राजा निमि को शंकर भगवान ने अपना धनुष दे दिया, ये कह के कि इसको आप संभाल के रखना, जब जरूरत होगी तो मैं इसे ले लूंगा। अब वो राजा निमि कौन थे, अब हम चलते हैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर पे। तो शंकर भगवान ने ये वाला जो बड़ा वाला ये बो है, इसको
उन्होंने दिया राजा निमि के सबसे बड़ा बेटा, पहले सुनते जाओ, सबसे बड़ा राजा निमि का बेटा था देवरात। देवरात उस समय मिथिला का राजा था। जनक मींस, जनक इज अ पोस्ट, उस पोस्ट पे अलग अलग राजा अलग अलग समय बैठते थे, उन सबको जनक बोला जाता था। पर देवरात नाम के राजा जो मिथिला के राजा थे, उनको ये वाला धनुष राजा शिवजी ने दे दिया। अब क्या हुआ, अब दे तो दिया उन्होंने धनुष, कुछ ही दिनों के बाद उस, और उन्होंने ये भी बताया एक मिनट, और फिर क्या हुआ, धनुष तो दे दिया, साथ में ही राजा जनक ने बताया उससे ही कुछ इयर्स पहले ना, जब मैं हल चला रहा था, आपको पता, अच्छा म्यूट करिए अपने आप को, आपको पता है हल क्या होता है? आप किसी ने फार्मिंग होते देखी है, फार्मिंग देखी है कैसे फार्मर्स फार्म करते हैं, किसी को पता है? दो दो पीछे ऑक्स होती है और एक बहुत बड़ा ऐसे प्लाव होता है, प्लाव ले जाके और उन बैलों के साथ फार्मिंग करते हैं, और वो जो लैंड होता है जब उस पे गड्ढे बन जाते हैं वहां पे सीड डालते हैं, और जब रेन्स आती है तो वहां पे प्लांट्स निकलते हैं, है ना, उसको फार्मिंग जब बोलते हैं। तो हल बोलते हैं हिंदी में प्लाव को। तो कुछ समय पहले राजा जनक अपने खेत में, अपने लैंड में प्लाव के साथ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? उनको एक वहां पे यज्ञ करना था, तो यज्ञ करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए थी। उस बहुत बड़ी जगह में जब उन्होंने प्लाविंग शुरू करी तो ये क्या, एकदम से क्या देखते हैं पता है, एक छोटी सी बेबी की रोने की आवाज आई। ओ माय गॉड, इतने जोर जोर से वो बेबी रोने लगी। तो सबने कहा ये क्या हुआ, राजा जनक तो प्लाव कर रहे हैं, पीछे बैल है और प्लाव कर रहे हैं फार्म में, और एक छोटी सी बेबी वहां पे। तो राजा जनक के प्लाव का जो फ्रंट पोर्शन होता है उसका कहते हैं सीत। उस प्लाव को टच करते हुए एक बेबी अर्थ में से वहां पे पड़ी हुई थी, प्रकट हुई, और उस बेबी को राजा जनक ने अपनी डॉटर बना लिया, उसको भी अपने घर ले गए और उसका नाम रखा सीता। क्या रखा? सीता, है ना। तो सीता ऐसे मिली थी, सीता राजा जनक को अर्थ में, जब पृथ्वी में जब वो प्लाव कर रहे थे वहां पे मिली थी। ओके, अब हम वापस चलते हैं स्क्रीन शेयर में। तो राजा जनक ने, ये देखो, ये है राजा जनक, ये है दोनों ऑक्सन, और राजा जनक ऑक्सन के साथ प्लाव कर रहे हैं, और प्लाव करते करते उनको वहां पे एक छोटी सी बेबी मिल गई, और राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए, उस इतने खुश हुए क्योंकि वो जो प्लाव के अग्रभाग से जोती हुई भूमि से एक जो लड़की, एक कन्या पैदा हुई थी। राजा जनक के घर में कोई भी बच्चा नहीं था, तो राजा जनक जब उस बेबी को घर ले गए, उनकी वाइफ भी बहुत खुश हुई, उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको पाला पोसा और उसका नाम रखा सीता। और उन्होंने एक वाउ लिया, उन्होंने एक वाउ लिया, एक प्रण करा, एक प्रॉमिस करा कि जब भी ये बड़ी होगी, जब भी इसका विवाह होगा, मैं उसी से विवाह करूंगा जो इतना बड़ा धनुष शिवजी का दिया हुआ हमारी फैमिली में है, हमारी फैमिली में बरसों से चला आ रहा है। जब कोई भी इतना ब्रेव और स्ट्रांग होगा, उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा, उस धनुष के ऊपर डोरी, उस धनुष के ऊपर वो रस्सी सुतली को लगा देगा, उसी से मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। राजा जनक ने जब सीता मिली उनको तभी यह सोच लिया था। तो अब क्या हुआ, सीता बड़ी होती चली गई। जब सीता बड़ी होती चली गई और राजा जनक ने सीता को बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, सारी वॉरफेयर सिखाई, सीता कुड फाइट वॉर्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बनाया सीता को, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। और जब सीता का विवाह के बाद आई तो उन्होंने ये कहा कि मेरी तो शर्त थी, कि मेरी शर्त थी जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से मैं उसका विवाह करूंगा। तो मेरी शर्त तो हुई, पर मेरी इस शर्त के बाद इतने सारे राजा हमारे मिथिला में आए। सबने सुन रखा था कि मिथिला में शिवजी का धनुष है, इतना बड़ा धनुष है। अलग अलग राजा अलग अलग टाइम पे आते और राजा जनक को बोलते हमें वो दिखाओ, तो राजा जनक वो को मंगवाते, और सब के सब राजा ट्राई करते
उसमें स्ट्रिंग करने का कोई भी नहीं कर पाता, कोई उस धनुष को उठा ही नहीं पाता था क्योंकि धनुष इतना बड़ा था, इतना हैवी था, इतना स्ट्रॉन्ग था, कोई नहीं उठा पाता था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद राजा जनक परेशान होने लगे। उन्होंने कहा, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, सारे राजा देखो कोई उठाता है, कोई गिर पड़ता है, कोई रुढ़क जाता है, कोई भी नहीं उठा पाता, कोई कुछ कर ही नहीं पाता, हम क्या करें? तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा, अगर आप चाहें तो मेरे साथ ये श्री राम और श्री लक्ष्मण आए हैं और ये दशरथ महाराज के पुत्र हैं और ये प्रयत्न कर सकते हैं प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए। दशरथ जनक तो बहुत खुश हो गए। जनक ने अपने सभी दरबारियों को कहा, यहाँ पे विश्वामित्र कह रहे हैं कि प्लीज आप वो धनुष मंगवा दीजिए। तो जनक बहुत खुश हो गए। जनक ने अपने सभी दरबारियों को कहा कि जाओ और वो धनुष लेके आओ। तो इतना बड़ा धनुष था, इस बॉक्स में इतना बड़ा धनुष, इसमें 8 पहिए थे, 8 व्हील्स का इतना बड़ा बॉक्स, इतने सारे लोग खींचते खींचते ला रहे, इतने सारे लोग खींचते खींचते ला रहे, फिर भी इतना हैवी हिल नहीं रहा था। तो जब वो लोग खींचते हुए लाए और वो लोग खींच खींच के जनक के दरबार में लेके आए और फिर उन्होंने बॉक्स का लेड खोला, बॉक्स के ढक्कन खोली, और जब ढक्कन खोली तो उसमें बहुत बड़ा धनुष था। अब धनुष तो देख लिया, अब राम वहां पे उठ के आए और राम ने बोला कि क्या मैं कोशिश करूं कि मैं इस धनुष को उठाऊं। राम ने अपने गुरु की आज्ञा पूछी, परमिशन मांगी अपने गुरु से, गुरु वशिष्ठ से। फिर राम ने अपनी परमिशन मांगी अपने गुरु विश्वामित्र से, जिनके साथ वो आए थे। फिर राम ने अपने जनक से मांगी, क्या मैं इसे उठा सकता हूँ? तो जनक तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा बिल्कुल उठाओ और ट्राई करो कि तुम प्रत्यंचा चढ़ा लो। परंतु फिर राम ने कहा ऐसा ही होगा, और जनक भी खुश हो गए, दोनों ने एक साथ बोला सो बी इट, हाँ ऐसा ही करो, गुरु ने भी कहा और जनक ने भी कहा। अब राम ने जैसे ही झुके और जैसे ही बो को उठाया और देखते देखते खिलौने की तरह उस बो को, इतना हैवी बो को एकदम खिलौने की तरह एक हाथ में उठा लिया, और देखते ही देखते उसकी डोरी, ये जो डोरी है ना, उसकी डोरी भी यहाँ पे लगा दी। और जैसे ही डोरी लगाई, ये डोरी देखो, ये डोरी लगा दी, और जैसे ही डोरी लगाई, अरे ये क्या, इतने जोर जोर से बादल गरजने लगे, आंधी आने लगी, तूफान गरजने लगा, ऐसा लगा कि पहाड़ के पहाड़ पूरे गिर गिर गए, ऐसा लगा उसकी इतनी तेज आवाज हुई कि जितने भी लोग थे वहां पे सब बेहोश हो गए, सारे के सारे बेहोश हो गए, और वो धनुष दो हिस्सों में टूट गया, ट्रैक ऐसे करके दो हिस्सों में धनुष टूट गया और सारे लोग बेहोश हो गए। ओनली 5 पीपल बेहोश नहीं हुए इतनी जोरों से आवाज से। वो कौन 5 पीपल थे? राजा जनक, राम खुद, लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, बाकी सब बेहोश हो गए। सारे लोग जितने बैठे थे, सारे दरबारी सब बेहोश हो गए। और उसके बाद जब उनको होश आया, बाकी सब लोगों को, राजा जनक बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि आज जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी, जो मैंने वाव लिया था, वो पूर्ण हुआ। इतने सारे राजा आए, अलग अलग समय में अलग अलग राजा आए, पर ये होता ही नहीं था, कोई इसको उठा ही नहीं पाता था। आज इस राम ने, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया। अब जो हमारा आज का सेशन है ना, वो सेशन ये है कि क्या सीता का स्वयंवर सच में हुआ था? स्वयंवर का क्या मीनिंग होता है? स्वयंवर का मीनिंग होता है एक ही जगह, एक ही दरबार में सारे राजा अलग 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 जगह से आते हैं, और एक जो रानी, जो प्रिंसेस होती है, उसे विवाह करने की कोशिश करते हैं, है ना? तो एक ही सम, और उसके लिए कोई कॉन्टेस्ट होता है। जैसे सीता के लिए कॉन्टेस्ट रखा था उनके फादर ने कि जो भी इस बो को उठा पाएगा और प्रत्यंचा चढ़ा देगा, ऐसे महाभारत में द्रौपदी के लिए कॉन्टेस्ट रखा था। कॉन्टेस्ट क्यों रखते हैं? देखने के लिए कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल और इंटेलिजेंट है।
सीता का स्वयंवर जो हमें पिक्चर्स में मूवीज में दिखाते हैं कभी हुआ ही नहीं। सीता के लिए कभी एक साथ सारे राजा आए ही नहीं। धनुष जैसे हमें मूवीज में और पिक्चर्स में दिखाते हैं कि रखा रहता है, वैसा नहीं था। वाल्मीकि जी क्लियरली बोलते हैं कि धनुष को बार बार मंगाते थे, जब कोई जो राजा आता था उसको वो कहता था मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो वो धनुष को वहां से मंगवाते थे, जैसे श्रीराम के लिए मंगवाया, पर कोई भी नहीं धनुष का कुछ कर पाया। श्रीराम क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार, उनमें इतनी स्ट्रेंथ थी, उन्होंने धनुष को यूं उठा लिया और यूं उस पर डोरी बांध दी, और जैसे ही धनुष उठाया धनुष दो हिस्सों में टूट गया, इतने पावरफुल हमारे श्रीराम। अब जनक तो बहुत हैप्पी हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी डॉटर सीता के लिए परफेक्ट हस्बैंड मिल गया, जो एकदम स्ट्रांग है, ब्रेव है और इंटेलिजेंट है ना। अब हम वापस चलते हैं स्क्रीन शेयर में। तो हमने क्या एस्टैब्लिश करा कि सीता का स्वयंवर हुआ ही नहीं था, अलग अलग समय में अलग अलग लोग आके ट्राई करते थे। अब राजा जनक ने कहा अब तो हमें विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि सीता का विवाह जो धनुष को उठा लेगा, धनुष पर प्रत्यंच डोरी चढ़ा देगा, उसी से होना था। तो सारे दूतों को बुलाया, अपने मैसेंजर्स को, पहले मोबाइल तो नहीं होते थे ना, फोन भी नहीं थे, तो अपने वो कैसे इन्फॉर्म करते। उन्होंने अपने मैसेंजर्स को हॉर्स बैक के ऊपर भेजा, घोड़े से भेजा, 4 nights 4 days तक मिथिला से अयोध्या तक वो लोग अपने हॉर्स पे गए, और अंदर जाके महल में, और राजा दशरथ को बोला कि हम आए हैं, हम मिथिला से आए हैं, और हम आपको आपकी परमिशन लेने आए हैं, और हम आपको ले जाने के लिए आए हैं कि आप आइए और सीता का विवाह श्री राम के साथ अपनी आज्ञा से संपन्न करवाइए, फिनिश करवाइए। राजा दशरथ बहुत खुश हुए ये बात सुन के। उन्होंने अपने गुरु, सारे राजा अपने गुरु से पूछ के काम करते थे, तो राजा दशरथ ने वशिष्ठ महर्षि से परमिशन ली। फिर उन्होंने अपनी तीनों वाइफ से डिस्कस करा, पूरी प्लानिंग करी कि कैसे वेडिंग करनी है, वेडिंग प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे जाना है, हमें मिथिला जाना होगा, पूरी बारात जाएगी, कैसे हमें प्लान करना है। अपनी वाइफ के साथ बैठ के उन्होंने पूरी सलाह करी, अपने मंत्री सुमंत्र के साथ, अपने गुरु से आज्ञा लेके, और उसके बाद पूरी की पूरी बारात को लेके वो कहाँ गए, मिथिला। पूरी बारात, सारे मंत्री और भरत और शत्रुघ्न, भरत और शत्रुघ्न तो यही थे ना, राम और लक्ष्मण वहां चले गए थे, सब राक्षसों को मार के मिथिला पहुंच गए थे। तो दशरथ राजा, भरत और शत्रुघ्न और सारे दरबारी और पूरी चतुरंगिणी सेना को लेके, और वो लोग गए कहाँ, गए विदेह देश, कहाँ गए, मिथिला, जहां पे जनक ऑलरेडी थे, जहाँ पे श्री राम ऑलरेडी थे। तो वापस 4 days 4 nights की यात्रा करके पूरी की पूरी बारात पहुंची, और जब बारात पहुंची तो राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। राजा जनक ने उनका इतने अच्छे से वेलकम करा। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, जब आप किसी से मिलते हो आप मुस्कुरा के बात करते हो, तो अगर कोई आपको यूं करके देखेगा आपको अच्छा लगेगा? अगर आप किसी से मिलते हो, अगर वो आपको स्माइल करे, अच्छे से बात करे, तो आपको अच्छा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जो डाल सकते डालो। अगर आपको कोई मिलता है और वो आपको वेलकम करता है प्यार से, स्माइलिंगली, मुस्कुरा के, वार्मली, आपको वो अच्छा लगता है, या कोई ऐसे गुस्से से देखता है क्यों आए हो आप मेरे घर, कौन सा अच्छा लगता है जल्दी बताओ? ध्रुव को क्या अच्छा लगता है, कोई प्यार से मिले वो, और अयांश को, अयांश को भी, विमान को, विवान को भी ना। अगर तो अगर जो हमें अच्छा लगता है तो दूसरों को भी वही अच्छा लगता हो, तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम किसी को मिले वी शुड स्माइल, वार्मली वेलकम देम। जब हमारे घर में कोई आता है प्यार से मिलो, हग करो उनको वार्मली, अगर आप जानते हो, अननोन पीपल को नहीं बोल रही हूं मैं, नोन पीपल को जो आपके बैठे हैं उनसे अच्छे से मिलते हैं। ओके, क्लियर? ओके, सो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन एंड वी विल नाउ वाइंड अप द स्टोरी। एंड जनक बहुत खुश हुए, राजा दशरथ को बहुत अच्छे से वेलकम करा, और राजा सारे बाराती आए,
राम और लक्ष्मण भी वहां पे आ गए अपने सब बारातियों को मिलने के लिए। राम और लक्ष्मण ने अपने फादर दशरथ के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। अब पहले क्या होता था, पहले जब शादियां होती थी ना, तो दोनों साइड बैठ जाते थे और एक दूसरे की फैमिली के बारे में बताते थे। ऐसे राजा जनक ने कहा कि मैं अपनी फैमिली मैं अपने ब्रदर को बुलाना चाहता हूँ, जिनका नाम है कुशध्वज। तो राजा जनक ने अपने पुरोहित, अपने गुरु शतानंद को कहा कि कुशध्वज को बुला लाओ, और उन्होंने दूतों को, फिर मैसेंजर्स को भेजा अपने भाई कुशध्वज के पास, और कुशध्वज अपनी दो डॉटर्स मांडवी और श्रुतकीर्ति के साथ शादी में आए, जैसे आप लोग अपने कजिन्स की वेडिंग में जाते हो ना। फिर क्या हुआ, फिर दोनों साइड बैठ गए, ये जनक की साइड है और ये दशरथ महाराज की साइड है, और दोनों बैठ के वेडिंग प्लानिंग करने लगे, डिस्कशंस करने लगे। उन डिस्कशंस में दोनों ने अपने अपने बारे में बताया, जैसे आप लोग बताते हो ना कि मेरी फैमिली में 4 पीपल है, या मेरी फैमिली में 8 पीपल है, मेरी दादी ये करती है, मेरे बाबा ये करते हैं, मेरे मम्मा ये करती है, पापा ये करते हैं। आप ही अपनी फैमिली के बारे में बताते हो ना कि कितने लोग आपके हाउस में रहते हैं। ऐसे ही राजा जनक और राजा दशरथ के दोनों फैमिलीज बैठी और उन्होंने एक दूसरे को बताना शुरू करा। और क्या बताया उन्होंने, ये बताया कि हम बताते हैं कि हम लोग हैं कौन, कहाँ से आए हैं। तो वशिष्ठ महाराज ने बताया कि बहुत पुरानी फैमिली ये है, इतनी ओल्ड फैमिली है, इनके जो पूर्वज हैं, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके फोर फादर्स, सबसे बड़े पितामह ब्रह्मा से हुए के पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप ऋषि, कश्यप ऋषि से, आप लोग सिर्फ नाम सुन लो, कंफ्यूज मत हो, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि क्या क्या है, ये लिनिएज कहाँ से आती है। जो राम है, राम कौन सी फैमिली में पैदा हुए हैं, और राम को हम भगवान क्यों मानते हैं, क्या किया था राम ने। राम सूर्यवंशी कुल से हैं, ब्रह्मा उनके फोर फादर्स हैं, उसके बाद उनके पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप, तो ब्रह्मा जी उनके पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान और वैवस्वत मनु। तो ये जो आजकल का काल है इसे मनु, वैवस्वत मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु ही अयोध्या के राजा बने। तो अयोध्या जो टाउन है, जो सिटी है इतनी बड़ी उत्तर प्रदेश में, उस अयोध्या के फर्स्ट राजा थे इक्ष्वाकु। उन्हीं इक्ष्वाकु राजा के पुत्र हुए पृथु, उनके ही पुत्र। इतनी लंबी डायनेस्टी में जो फेमस नेम्स है वो है पृथु, त्रिशंकु और मांधाता। मांधाता के बाद हुए सगर, सगर के बहुत बाद हुए भगीरथ और फिर अम्बरीश। जस्ट हियर द नेम्स, डोंट गेट कंफ्यूज। और अम्बरीश के बाद पुत्र हुए नहुष, उसके बाद ययाति, फिर नाभाग। ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी लिनियज ऑफ किंग्स है, जो किंग्स ब्रह्मा ऋषि से लेकर राम तक की लिनियज है। और ये पूरी क्रोनोलॉजी मेंशन है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में। और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ और उनके हैं राम लक्ष्मण। तो राजा जनक ने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप लोग ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ सब एक से बड़े राजा, एक से बड़े राजा, इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अच्छे लोग। अब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण के लिए आपके दोनों कन्याएं सीता और उर्मिला का हाथ मांगता हूँ। तो श्री राम की तो शादी सीता से होनी थी, पर सीता की छोटी सिस्टर थी उर्मिला। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मैं जनक महाराज से कि मैं लक्ष्मण के लिए आपकी कन्या उर्मिला का हाथ मांगता हूँ। फिर वशिष्ठ ऋषि, फिर राजा, फिर उतने में फिर ये हुआ, एक स्लाइड मैंने मिस कर दी है बीच में। अच्छा, फिर राजा जनक ने अभी एक फैमिली ने अपना इंट्रोडक्शन दी है। अब दूसरी फैमिली, राजा जनक की फैमिली अपना इंट्रोडक्शन दे रही है। राजा जनक ने कहा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारी ही फैमिली के एंसेस्टर थे राजा निमि, और निमि को शिवजी ने वो धनुष दिया था। निमि नाम के जो राजा थे उनका पुत्र था मिथि, मिथि के नाम से इस सिटी का नाम पड़ा है मिथिला, और मिथि के पुत्र थे जनक। तो यहाँ का जो भी राजा होता है ना, उसका जो मर्जी नाम हो उसको हम जनक बोलते हैं।
और उसी वंश में अलग अलग राजाओं को उपाधि दी जाती है राजा जनक के, जैसे मैंने अभी बताया। फिर विश्वामित्र ने कहा कि उर्मिला और सीता का राम और लक्ष्मण से विवाह कर रहे हैं, पर ये जो आपके छोटे भाई हैं ना राजा कुशध्वज, कुशध्वज की जो दो पुत्रियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनसे भरत और शत्रुघ्न का विवाह कर दीजिए, मैं आपसे उनका हाथ मांगता हूँ। तो राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए और राजा जनक और उनके भाई की दो और दो चारों पुत्रियों का विवाह एक साथ एक मंडप में हो गया। राम का सीता के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, भरत का मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ। और इतने प्रसन्न हुए सब लोग, पूरे अयोध्या की बारात, मिथिलावासी और सारे देवी देवता, यक्ष गंधर्व आसमान में इन द स्पेस स्टेशन रुके, वो लोग स्पेस वॉक कर सकते थे तब, उनको अर्थ पर रहने की जरूरत नहीं थी, वो फ्लोट भी कर सकते थे, तो वो सब जगह से और सब उन्हें फूलों की वर्षा करी और इतना इतना सुंदर अरेंजमेंट और चारों जोड़ों का विवाह हो गया। और जब चारों जोड़ों का विवाह हो गया, चारों पुत्र चारों पुत्रियां सब ने गुरु वशिष्ठ से, गुरु विश्वामित्र से, गुरु शतानंद से और जितने भी गुरु और आए थे विवाह कराने के लिए, सबसे उन्होंने आशीर्वाद लिया और विश्वामित्र ऋषि ये सब कार्य करा के और फिर चले गए अपने मन में तपस्या करने के लिए। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि सीता का स्वयंवर जो हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, कभी नहीं हुआ था। सीता के लिए अलग अलग लोग अलग अलग समय में ट्राई करने आते थे कि क्या हम वो बो उठा सकते हैं, पर नहीं उठा पाते थे। तो जब विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण आए तो राम के लिए भी वो बो मंगवाया गया और राम तो यूं ही उठा लिया और जैसे ही डोरी लगाई वो बो टैंग करके टूट गया और उसी के साथ विवाह हो गया। और राजा वशिष्ठ ने पूरी राम की फैमिली हिस्ट्री बताई और राजा जनक ने पूरी उनकी फैमिली हिस्ट्री बताई और दो बड़ी बड़ी फैमिलीज के बच्चों की शादियां हुई और ऐसे विवाह हुआ हमारे राम का। आप किसी बच्चे को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ सुनना है, किसी बड़े को कुछ कहना है तो द सेशन इज ओपन फॉर हूएवर विशेस टू से व्हाटएवर। मीरा जी, लता, लोनिका, संबित, आप लोगों के वीडियोस ऑन नहीं है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो वी आर ओपन, द सेशन इज ओपन। सबको पता था कि स्वयंवर ऐसे हुआ था? किसको पता था, किसको पता था ऐसी वाली स्टोरी? नहीं पता थी ना, वंदना मैम को भी नहीं पता थी, विमान को भी थी। ध्रुव क्या कहना चाहता है? ध्रुव बेटा, ध्रुव को कुछ कहना है? अयांश, आपको ये स्टोरी पता थी? नहीं ना, ओके। तो आई एम श्योर बड़ों को भी नहीं पता होगी। मीरा, मीरा मैम, लता मैम, नानी से भी जब स्टोरी सुनी थी तो यही था कि उनका स्वयंवर हुआ था, कि सब आए थे अलग अलग टाइम पे आए थे, ये नहीं बताया था। अच्छा, कि हमारे में वाल्मीकि रामायण नहीं होती ना, तो जनरली नोबडी नोज। I'll tell you the reason is कि वाल्मीकि रामायण तो हमारी ट्रू हिस्ट्री है ना, पर वाल्मीकि रामायण एक ऐसा पीरियड आया था अपने कंट्री में जब बहुत सारे इन्वेजन हो रही थी, है ना, तो बहुत सारे फॉरेन रूलर्स आए थे और बहुत जब बहुत सारे अटैक्स हमारे कंट्री पे हो रहे थे, फिर ब्रिटिशर्स आए थे ना हम पे रूल करने के लिए। सबको पता है कि ब्रिटिश आए थे? Yes, ma'am. पता है ना, वेरी गुड विमान। तो जब ब्रिटिश भी आए थे, जब इतने सारे हमारे पर फॉरेन रूलर्स आए थे तो हमारी सारी हिस्ट्री को छुपा दिया गया, सारी हिस्ट्री हमारी रामायण और महाभारत को उन्होंने गलत गलत बता दिया और हम सब लोगों ने रामायण और महाभारत पढ़ी, छोड़ दी। बट उसी पीरियड के बीच में एक तुलसीदास जी आए थे, उन्होंने रामचरितमानस लिखी। उस रामचरितमानस में पूरा स्वयंवर है। उस रामचरितमानस में एक ही जगह सारे राजा आते हैं और एक ही जगह सब ट्राई करते हैं, सब नहीं कर पाते। उस स्वयंवर में रावण भी आता है रामचरितमानस में, और उसी उस में राम उठते हैं और धनुष तोड़ देते हैं, वहां पे परशुराम जी आ जाते हैं। पर ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ट्रू इतिहास हमारा वाल्मीकि रामायण है। रामचरितमानस में जो लिखा है तो सारे फिल्म मेकर्स ने, सारे सीरियल मेकर्स ने उसी पार्ट को उठाया है,
रामचरितमानस के, और फिर वही शो करते हैं, उसमें ग्लैमर भी दिखता है ना, यहाँ पर तो एक एक आया ट्राई करके चला गया, वो सारे इकट्ठे आते हैं और एक साथ शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है वो। हाँ जी ध्रुव आपको कुछ कहना है बेटा? म्यूट पे बेटा, म्यूट पे हो। आपको इस सारी स्टोरीज पता कैसे चली? अरे वाह, व्हाट अ क्वेश्चन। बेटा ऐसा है ना, किसी भी जो भी पढ़ता है ना मुन्ना, जो भी पढ़ता है, इफ यू रीड, तो हम क्या पढ़ते हैं, वंदा मैम और मैं और हम लोग और जो हम लोग देवदीति में कर रहे हैं ना, हम पढ़ते हैं, और जो पढ़ता है उसे सब कुछ पता लग जाता है। जो पढ़ता है वो बहुत इंटेलिजेंट बनता है। ये आप बच्चे गांठ बांध लो कि जो भी बुक्स पढ़ेगा, कैन यू सी ऑल द बुक्स बिहाइंड मी, कैन यू सी सो मेनी बुक्स, एंड व्हेन आयांशस कम होम एंड व्हेन हूएवर विल कम होम, आई विल शो यू माय बुक कलेक्शन। सो आई रीड अ लॉट, एंड इफ यू रीड अ लॉट यू विल बिकम इंटेलिजेंट। तो ये जो मुझे पैसे पता लगा, या वंदना मैम को कैसे पता लगा, ये वाल्मीकि रामायण है। तो वाल्मीकि रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण का टेक्स्ट इज अ, वंदना मैम आपकी हैंडी है तो दिखा दो, आपके आपके पास है? नहीं, अच्छा तो मेरी भी बाहर रखी है। सो आई विल शो यू व्हाट इज वाल्मीकि रामायण, यू गिव मी अ सेकंड, लेट मी गेट इट। आपके पीछे ही रखी है, आई कैन सी लेफ्ट साइड में, आपके लेफ्ट में भगवत गीता है। लेट मी जस्ट गेट द वाल्मीकि, वन वन सेकंड बच्चा, वेट आई एम गेटिंग इट। आज ध्रुव का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्रुव का क्वेश्चन, ध्रुव सो दिस इज द वाल्मीकि रामायण, सो हूएवर रीड्स दिस वाल्मीकि रामायण ना, तो ये संस्कृत में है, पर इसकी ट्रांसलेशन होती है इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में भी है, जो भी लैंग्वेज में, और जो पढ़ लेते हैं ना इसको, वो बन जाते हैं स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें सब कुछ ट्रू ट्रू पता लग जाता है। फिर अगर कोई फिल्म मेकर, अगर कोई टीवी में कुछ गलत दिखाता है ना, हमें तो पता है कि ये नहीं था ऐसे, इन्होंने ऐसे ही दिखा दिया। सो पीपल कांट फूल अस, अगर हमें अपना ट्रू हिस्ट्री पता होगी ना, तो लोग हमें बुद्धू नहीं बना सकते, है ना वंदना मैम, हमें पता लग जाता है। हाँ तो ये है वाल्मीकि रामायण, इससे पता लगता है। ओके, और इसको पढ़ने के बाद फिर आप रिसर्च करते हो, जब आप इंटरेस्ट होता है अलग अलग जगह से। अयोध्या के अंदर आ गया, एक राक्षस अयोध्या के अंदर आ गया, कैसे, कब, कहां, पर फिर शत्रुघ्न ने देख के उसको मार दिया, पर वो झूठ था। और मैं बताऊं कैसे पता लगता है, ध्रुव अयांश बहुत सुनता है, अयांश आप किस पे सुनते हो, क्या बोलते हैं उसको, वो डिवाइस मैं भूल गई उसका नाम, जो स्टोरी सुनते हो ना आप रामायण की, सारा दिन सुनते हो, क्या बोलते हैं उसको, बोले क्या हो, तो अयांश दिखाएगा। तो अयांश की मम्मा ने, अयांश आपकी मम्मा ने क्या मंगवा रखा जो केरला में लेके गए थे, जिसमें आप स्टोरी सुनते हो रामायण की? आजकल प्रीफेड आती हैं, स्टोरीज भी आती हैं, और पूरी रामायण भी, भगवत गीता भी। टैब नहीं मुन्ना, वो जो छोटा सा डिवाइस आप प्री लोडेड है जो लेके घूमते हो, टैब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो इतना छोटा सा मम्मी ऑन करती, वो ही तो उसके अंदर है टैब, वो टैब उसके अंदर है। अच्छा मेरे, इन एनी केस जो भी एडल्ट्स यहाँ पे है ना, तो देर आर मेनी डिवाइसेस अवेलेबल जहाँ पे रामायण की, महाभारत की, पंचतंत्र की स्टोरी भी फेड है। केरला से भी पहले पता था आपको, केरला से पहले पता था, वो डिवाइस कहाँ है वो दिखा दो, वो लेके आ जाओ, वो तो टीवी में आ रहा है। मैजिक का दिल्ली से 5 मिनट्स दूर है, टिया दी गई थी जब बहुत छोटी थी। मैजिक का, अच्छा अच्छा ओके, तो अभी हम रामायण की बात कर रहे हैं, तो ऐसे रामायण की स्टोरीज अपनी अपनी मम्माओं से बोलना, तो मम्मा मंगवा देंगी, और मैं जो अयांश की मम्मा से बात करके मैं इस पे डाल दूंगी ग्रुप पे, ओके, कि वो कौन सी। हाँ बेटा, हाँ लोनिका। मां मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि रामायण के टाइम का कोई बहुत ही फेमस मतलब
Can't hear you properly. Ma'am, I'm sorry. अब आ रही है यार, डोंट डू ऑल दैट, सिट सिट स्टिल। हाँ क्या बोलो कनिका? मैम मैं पूछ रही थी कि और हमारे डाका डंडा बहुत फेमस और एंशिएंट कोई मंदिर है क्या, क्योंकि मैंने जब अपने हिस्ट्री सब क्लास में सुना कि जो चौथा होता है। कनिका यू प्लीज सेंड योर क्वेश्चन टू मी ऑन व्हाट्सएप, आई कांट हियर यू, ओनली नन ऑफ अस कैन हियर यू, जस्ट ड्राफ्ट योर क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी व्हाट्सएप एज अ वॉइस नोट, आई विल ट्राई एंड आंसर यू। कैन हियर? कैन हियर? Here. What was the question? Tell me. I don't know, but I can hear. Okay, no worries. Okay, let's do the closing mantra. Who is going to do the closing mantra after me? I answered Dhruv, dono ke haath aa gaye. Okay, so who will do now? Decide between you both. Quickly. Can I? Kaun bol rahe? Ma'am, Lonika. तो लोनिका, लोनिका दीदी क्लोजिंग करेंगे क्योंकि आप दोनों कर चुके हैं। लोनिका लेट्स डू द क्लोजिंग मंत्र बेटा। ओके 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 वन सेकंड, बाकी बच्चे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 ओम शांति शांति शांति। सो हरि ओम एवरीवन, तो इतने लंबे समय के बाद आज हमने वापस वाल्मीकि रामायण शुरू करी है। आप लोगों का होमवर्क है, जब भी समय मिले सेशंस को दोबारा देख लो, आपका रिवाइज हो जाएगा। अपना ऑनगोइंग होमवर्क है, मंत्रों की चैंटिंग याद करके मेमोराइज करके हमें भेजो, 1 to 100 हिंदी में हमें भेजो और महीनों के और सप्ताह के हिंदी के नाम हमें भेजो। हमारी देश की मातृभाषा हमें सबको आना बहुत जरूरी है। मैं बच्चे से बोल रही हूँ, अपना होमवर्क समझ के मत करना, आपको मजा आए तो ही करना। आपको हिंदी की गिनती आनी चाहिए, आपको ये मन में होना चाहिए मुझे हिंदी की गिनती आनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो मातृभाषा है वो हिंदी है। तो अगर हमें हिंदी नहीं आएगी तो हमें वर्ल्ड के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे? हमें शर्म आएगी ना, हमें अपनी भाषा नहीं पता, अपने देश की चीजें नहीं पता। तो ये सोचकर आप करो गिनती भी, अपने मंत्र भी, तो देखो कितनी जल्दी याद होंगे। होमवर्क समझ के करोगे तो नहीं याद होगा। वेरी ट्रू वंदना मैम, थैंक यू वंदना मैम, विच इज वेरी राइट बच्चा। जैसे वंदना मैम ने बताया है, उसको एंजॉय करके करो, एक अपना प्राइड समझ के करो, गर्व से कहो, बी प्राउड ऑफ योर कंट्री, ऑफ योर लैंग्वेज, ऑफ योर नेशनैलिटी, बी प्राउड एंड डू एवरीथिंग। और हम तो वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं ना, हम और स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट होते जाएंगे, है ना? तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 1 o'clock, इज दैट गुड? ओके, हरिओम एवरीवन, हरिओम हरिओम।